लाइन खींची है बोर्ड पर, उसको छोटे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि डस्टर लाओ, इधर से मिटाओ, उधर से मिटाओ, कम हो गई। दूसरा तरीका यह है कि ऊपर से एक लाइन खींच लो बड़ी, तो ये आपको अब छोटी हो जाएगी। संघ का वो तरीका है। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो पांच पांच पीढ़ी खप गई है तब आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी RSS 2025 में जिसकी उम्र 100 बरस हो जाएगी, लेकिन यह एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही राजनीति के गलियारे की धड़कन बढ़ जाती है। समाज के भीतर कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े परिवार के तौर पर RSS अपनी पहचान कराता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि RSS का मतलब सिर्फ शब्दों में गुम कर दिया जाए। RSS सामाजिक संगठन है या राजनीतिक सांस्कृतिक तौर पर काम करता है, या फिर सत्ता पलटने बदलने की स्थिति में लेकर इस देश की सियासत को ले आता है। सब कुछ बात होगी, क्योंकि RSS पर प्रतिबंध एक दौर में जिस रायसीना हिल्स से लगा था, संयोग देखिए आज उसी रायसीना हिल्स पर RSS काबिज है। तो आइए जरा पीछे चलते हैं, टटोल लेते हैं RSS का जिक्र आज के दौर में इतना महत्वपूर्ण हो क्यों चला है। 30 जनवरी 1948, बिड़ला भवन, दिल्ली, शाम 5:10। बापू, as we called him, the father of the nation, is no more. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली पहचान यही गई। भारत ही नहीं, दुनिया ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद जाना कि हिंदू महासभा से इतर कोई दूसरा हिंदूवादी संगठन भी है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। क्योंकि हिंदू महासभा से ताल्लुक रखने वाले नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे RSS का सक्रिय सदस्य था, लिहाजा उंगलियां हिंदुत्ववादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उठी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया। गांधी जी के हत्या के बाद में 8 दिन में होम मिनिस्टर का रिटर्न लेटर टू प्राइम मिनिस्टर है कि गांधी जी के हत्या में संघ का कोई भी संबंध नहीं। एक्चुअली गांधी जी की हत्या पहले ही होने वाली थी, होने के काफी प्रयास हुए थे। मैं इसकी जिम्मेदारी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू पर इसीलिए डालता हूं कि गांधी जी को पंतप्रधान नेहरू प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। सरसंघ चालक गोलवलकर गुरुजी ने RSS पर प्रतिबंध को लेकर अपनी आपत्ति जताई, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू उस वक्त चाहते थे कि RSS को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबूतों के अभाव में ऐसा करने से मना कर दिया और जुलाई 1949 में RSS से बैन हटा लिया गया। जब संघ पर नेहरू ने प्रतिबंध लगाया था तो वह उनका एक राजनीतिक फैसला था, उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि तब सरदार पटेल जीवित थे और सरदार पटेल ने स्वयं भी नेहरू को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि गांधी के हत्या में RSS का कोई हाथ नहीं है। 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने हिंदू महासभा के सदस्य और अपनी ही कैबिनेट के मंत्री और बाद में जनसंघ बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक खत लिखा। गांधी जी की हत्या का मामला अभी अदालत में है, इसीलिए मैं फिलहाल RSS और हिंदू महासभा, इन दोनों संगठनों की इसमें संलिप्तता को लेकर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि जरूर करती हैं कि इन दोनों संगठनों की गतिविधियों, खासकर पहले की, ने देश में ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा दुखद हादसा मुमकिन हुआ। मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का कट्टरपंथी धड़ा इस साजिश में शामिल था। RSS की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए साफ खतरा हैं।
ये बात आजादी के तुरंत बाद की है, 1948 1949 हिंदू राष्ट्रवाद का नारा लगाती आरएसएस का अस्तित्व उस दौर में ही सवालों के घेरे में आ गया था। उम्र आरएसएस की बेहद कम थी। हेडगेवार के बाद गुरु गोलवलकर के हाथों में आरएसएस थी। नेहरू चाहते थे आरएसएस पर प्रतिबंध हमेशा हमेशा के लिए लगा दिया जाए, क्योंकि सवाल यह भी उठा था कि आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संगठन होने का ढोंग कर रही है और राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर एक नौ चुनौती बन रही है। ये सारे सवाल थे। इसका कोई अपना इतिहास इस रूप में कभी आया नहीं कि कोई संविधान इस संगठन का हो। बकायदा कहा गया, आपका अपना संविधान है क्या? संविधान उस वक्त लिखा भी गया, लेकिन सवाल फिर वही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज निकला कैसे? 1907 का वो दौर था जब बंगाल में आजादी आंदोलन के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक संगठन खड़ा किया। नागपुर से डॉक्टरी की पढ़ाई करने आए केशव बलिराम हेडगेवार भी इस संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए। दादा भाई नौरोजी ने उस वक्त गरम सोच के नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया, तो हेडगेवार भी कांग्रेस में उनके साथ ही आ गए। और डॉक्टर हेडगेवार भी कौन थे? कांग्रेस के थे ना, इस नागपुर कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे ना 1922 तक। तो ये तो समझना, कांग्रेस समझना कि संघ की स्थापना जो की है आरएसएस की, वही कांग्रेस वाले ने की। हेडगेवार कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, लेकिन 1917 में टर्की के खलीफा की कुर्सी छीने जाने के विरोध में हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन की आवाज बुलंद हुई और महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। केशव बलिराम हेडगेवार को ये बात चुभी और उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया, लेकिन कांग्रेस का हिस्सा वो बने रहे। उन्होंने कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं, वो मृत्यु तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे। अब 1920 में नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ उसमें डॉक्टर हेडगेवार जी वॉलंटियर फोर्स के प्रमुख थे। 1925 को आरएसएस फॉर्म हुआ, बाद में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, तो 1925 के बाद में तो कलकत्ता अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार मौजूद थे। बाद में 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ, मीट सत्याग्रह जिसको बोलते, तो विदर्भ में समुद्र नहीं है करके नमक सत्याग्रह की जगह विदर्भ में जंगल सत्याग्रह हुआ। तो डॉक्टर हेडगेवार जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता इस नाते जंगल सत्याग्रह में साल भर जेल में थे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने ये मन बना लिया था कि वो हिंदुत्ववादी सोच के साथ एक अलग संगठन तैयार करेंगे। शुरुआत घर से हुई। शुरू में सिर्फ 12 लोग ही हेडगेवार को सुनने पहुंचे, लेकिन 12 से 1200 स्वयंसेवक बनने में वक्त नहीं लगा और संघ का रास्ता भारतीय मन में घर करने लगा। नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार का यह घर एक वक्त राजनीतिक तौर पर हर चीज का केंद्र था। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो कांग्रेस स्वयंसेवकों की टोली यहीं पर जमती है कि किस तरीके से कांग्रेस के अधिवेशन को सफल बनाना है। 1925 में आरएसएस का निर्माण डॉक्टर हेडगेवार करते हैं तो 1200 स्वयंसेवकों की टोली यहीं पर जमती है और यहीं पर डॉक्टर हेडगेवार बैठते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं। और फिर 1930 में जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के समानांतर एक शुरुआत करते हैं। नागपुर से ही एक बरस की जेल भी होती है, राजद्रोह का मुकदमा भी चलता है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनने की स्थिति कैसे आती है, यह सब कुछ इसी घर ने देखा है। आसान नहीं था हेडगेवार के लिए एक नई सोच के साथ संगठन खड़ा करना, लेकिन उन्होंने खुद शाखा लगाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर तो कुछ लोग कौतूहलवश शाखा में आने लगे। शाखा में सूर्य नमस्कार, योग, खेलकूद, लाठी प्रशिक्षण के साथ बौद्धिक चर्चा को भी शामिल किया गया। धीरे धीरे शाखा में आने वाले स्वयं सेवकों की संख्या बढ़ती चली गई। उन्नीस सौ पच्चीस में
डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियाद रख दी। जल्दी ही आरएसएस का विस्तार पुणे, यवतमाल, अमरावती, नासिक के साथ मध्य भारत में होता चला गया। ये एक ऐसा परिवर्तन था जिसकी बुनियाद तो सामाजिक थी, लेकिन भविष्य में राजनीति का ताना बाना भी इसी के इर्द गिर्द बुना जाना था। लेकिन संघ विस्तार के लिए तैयार था और महाराष्ट्र के बाहर विस्तार का मौका तब मिला जब 1930 के आसपास डॉक्टर हेडगेवार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आए और पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू परिसर में संघ का कार्यालय खोलने की जगह दी। मालवीय जी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो सभी संगठनों के लिए, भूतकाल के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण एक संदेश है, उन्होंने कहा, अदर इंस्टीट्यूशंस हैव ह्यूज बिल्डिंग बट नो मैन पावर, आरएसएस हैज ह्यूज मैन पावर बट नो बिल्डिंग। संघ के पास बहुत मानव शक्ति है लेकिन कोई कार्यालय नहीं है, लेकिन जबकि दूसरी संस्थाओं के पास कार्यालय तो बहुत बड़े बड़े हैं, प्रतिबद्ध स्वयंसेवकों की, प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की कमी है। कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संघ को एक कार्यालय दिया गया और संघ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक अभिन्न अंग बनकर काम करता रहा। बीएचयू में ही डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात माधव राव गोलवलकर से हुई। माधव राव गोलवलकर बीएचयू के हॉस्टल में रहकर एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाते भी थे, लिहाजा उन्हें गुरु जी कहकर बुलाया जाता था। गोलवलकर डॉक्टर हेडगेवार के जरिए आरएसएस से सक्रिय तौर पर जुड़ गए। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया और सबकी सहमति से आरएसएस की कमान माधव राव गोलवलकर जी, गुरुजी के नाम से जाने जाते थे, और गुरुजी के हाथों में आ गई। संघ का विस्तार शुरू हुआ, ना सिर्फ दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, चेन्नई, समूचे देश में आरएसएस फैल रहा था। सवाल यह था कि हिंदू सामाजिकता का स्वरूप लेकर संघ जो चला है, क्या उन सब के बीच हर तबका शामिल है? यकीनन नहीं। दलित चेतना बिल्कुल अलग सोचती थी। यह अलग मसला है कि महात्मा गांधी हो या अम्बेडकर, संघ के शिविर में पहुंचे जरूर, लेकिन संयोग देखिए, जिस विजयदशमी के दिन स्थापना हुई आरएसएस की, उसी दिन धम्म चक्र परिवर्तन दिवस भी बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में ही विजयदशमी के दिन ही मनाया और दो धाराएं अपने अपने तरीके से चल पड़ी। संघ का विस्तार हुआ जरूर, संघ की शाखाओं में हर धारा के लोग जुटते जरूर, लेकिन सामाजिक संघर्ष की राजनीतिक धाराओं के साथ संघ खड़ा कैसे हो, ये सवाल अबूझ पहेली रही। एक तरफ आरएसएस तो दूसरी तरफ दलित समाज, शायद ये नागपुर की ही अजीबोगरीब त्रासदी है कि आज ही के दिन सरसंघ चालक शस्त्र पूजा करते हैं और शायद जीत का ऐलान करते हैं, और दूसरी तरफ नागपुर ही वो जगह है जहां बाबा साहब अंबेडकर ने धम्म परिवर्तन आज ही के दिन किया था। तो दो तरह का समाज, दो तरह के विचार और शायद दो तरह का जीवन। ऐसे में अगर मोहन भागवत इस बात का जिक्र करते हैं कि समाज में हाशिए पर पड़े आखिरी व्यक्ति तक वो पहुंचना चाहते हैं, तो दूसरी तस्वीर इसी नागपुर शहर की है जहां दलित एक दो नहीं लाखों की तादाद में आज के दिन शायद गरीबी और बदहाली के साथ जुटते भी हैं। 1925 में जिस नागपुर में हिंदुत्व की विचारधारा के साथ आरएसएस का जन्म हुआ, उसी नागपुर से 1956 में दलित सम्मान की आस में लाखों दलित हिंदू अंबेडकर के धम्म परिवर्तन का हिस्सा बनते चले गए। संघ की राजनीतिक सक्रियता कहिए या फिर सामाजिक शुद्धिकरण, उस दिशा में कहीं ना कहीं दलित समाज को लेकर उसके भीतर एक उहापोह की स्थिति आज से नहीं रही, बल्कि उस वक्त से रही जब बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा भूमि में ये नागपुर में ही धम्म परिवर्तन कराया। न सिर्फ हेडगेवार बल्कि गोलवलकर के सामने एक संकट ये जरूर रहा कि सामाजिक तौर पर सबको कैसे जोड़े, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर दलित समाज को
खड़ा करने के लिए या संसदीय राजनीति में सेंध लगाने के लिए नागपुर की जमी ही अंबेडकर ने चुनी। इसीलिए टकराव हुआ नहीं, लेकिन इस टकराव में कभी दोनों एक साथ आए भी नहीं। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो। लाखों हिंदू दलित बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते गए, लेकिन संघ उत्तर भारत में तेजी से जगह बनाता चला गया, जहां दलितों और पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती थी। नागपुर से प्रचारक बनाकर गोलवलकर ने मधुकर दत्तात्रेय देवरस को लखनऊ भेजा तो उन्होंने इलाहाबाद में आरएसएस की कमान युवा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के साथ मुरली मनोहर जोशी को सौंपी, तो बीटेक करके एमटेक कर रहे अशोक सिंघल को भी प्रचारक बनाया। नागपुर में एमए की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल उपाध्याय भी संघ का हिस्सा बने तो नारायण राव के संपर्क में आकर अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात भी भाऊ राव देवरस से हुई। देवरस ने अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ के पास संडीला में आरएसएस के प्रचार का जिम्मा सौंपा। मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि इस देश में जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अंतकरण से भारत का भला चाहते हैं, वो आरएसएस और जो आरएसएस के संपर्क में आए वो जानते हैं कि संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पहल थी, वो उस समय के सरसंघ चालक श्री गुरु जी मास्टर गोलवलकर से मिले और कुछ कार्यकर्ताओं की मांग की, तो उनको पांच छह अच्छे कार्यकर्ता दे दिए, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, नानाजी देशमुख थे, सुंदर सिंह भंडारी थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, ऐसे पांच छह कार्यकर्ता उनको दे दिए, फिर उन्होंने जनसंघ को बढ़ाया। संघ की राजनीतिक सक्रियता चेहरों के साथ भी बदली है। याद कीजिए, संघ सक्रिय हुआ तो मदन दास देवी ने आरएसएस और संघ के बीच सेतु का काम किया, उसके बाद सुरेश सोनी और अब कृष्ण गोपाल सामने आ चुके हैं।